वेलकम टू माय चैनल प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएस के क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। ये वीडियो नंबर 5 है, इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। अभी तक मैंने 32 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन इसमें है, कलेक्शन मैंने किया है, पीडीएफ तैयार किया है। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये सीरीज चल रहा है, ये 5वां वीडियो है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं का मतलब ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन सेट किया है मैंने, है ना, जो आपके बुक में है, जो आपके सिलेबस में है सब। ये शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इससे पहले मैंने ईपीएस के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चलवाया है, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूँगा। फिलहाल आप इसे पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 33 से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके हाथ में जो मोबाइल है प्यारे बच्चों, वो क्या है आपको पता है? आपके हाथ में कलम है, आपके पास बाइक है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास काम करने के लिए नौकर है, कर्मचारी हैं, ये सब क्या है आपको पता है? ये आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, है ना। आदमी बहुत विद्वान हो जाए फिर भी बिना कलम के, बिना किताब के वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना। आप बहुत बड़े शूटर हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बिना किसी हथियार के किसी को मार नहीं सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि किसी न किसी काम को करने के लिए किसी न किसी संसाधन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो भौतिक संसाधन के रूप में हो, चाहे वो मानवीय संसाधन के रूप में हो, बहुत सारे रूपों में ये हो सकता है। संसाधन क्या है या कितने प्रकार के होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। संसाधन उस माध्यम को कहते हैं जिनके सहारे किसी कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आपको ये बात याद नहीं हो तो आप कुछ भी लिख दो, लेकिन ये बता दो कि संसाधन साधन है जिसके माध्यम से हम कोई काम करते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। संसाधन उस माध्यम को कहते हैं जिनके सहारे किसी कार्य को सफलतापूर्वक किया जाता है, यह निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, है ना, मैं बता दूं एक बार, ये है प्यारे बच्चों, वित्तीय संसाधन, जो आपके पैसे हैं वो आपका संसाधन, मानवीय संसाधन, जो मनुष्य आपके साथ जुड़े हैं, अटैच हैं, वो आप भी संसाधन है, भौतिक संसाधन, ठीक है, तकनीकी संसाधन, ये सारे के सारे संसाधन हैं। ये 4 प्रकार के संसाधन हमारे ईपीएस बुक में दिया हुआ है और इतने ही होते हैं, ठीक है। तो संसाधन प्यारे बच्चों उस माध्यम को कहते हैं जिनके सहारे किसी कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, वित्तीय संसाधन, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और तकनीकी संसाधन। आइए तकनीकी संसाधन के बारे में आपको बताना है। तकनीकी संसाधन से आप क्या समझते हो, ठीक है, ठीक है जी। तो माय डियर, आज के ज़माने में तकनीक का बहुत बड़ा महत्व है। जिसके पास जितनी तकनीक होती है, जितनी टेक्नोलॉजी होती है प्यारे बच्चों, जिस बिजनेसमैन के पास, वो बिजनेस ज़्यादा डेवलप होता है, उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर मशीन, संचार, तकनीक सब, ठीक है। पुराने तरीके से जहाँ काम लोग करते हैं, वहाँ न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही विकसित होती है, वो काम पहले से ज़्यादा स्पीड होने लगता है, पहले से ज़्यादा टाइम कम लेता है और पहले से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको यूजफुल तरीके से, आपको बेहतर तरीके से अपने संसाधन को, अपने संस्था को रन करवाना है प्यारे बच्चों, तो हर समय एक नए तकनीक की तरफ आप बढ़िए, ठीक है। और जानते हैं कि आज का वातावरण तकनीकी वातावरण है, टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा चीज़ है आज की दुनिया में, ठीक है। आज अगर हम किसी को कहे कि किसी को मैसेज भेजना है और आप चले जाओ, कह के आ जाओ, वो तुरंत कहेगा कि फ़ोन ही कर दो, ठीक है, कॉल ही लगा दो, कॉल लगा लो। आदमी घर से बाहर भी होता है तो घर घर पे फ़ोन लगा लेते हैं, ठीक है। आप जो है सो दरवाजे पर है, घर के लोग को भी दरवाजे से फ़ोन लगा के बुलाते हैं, यार कहाँ हो तुम, दरवाजे तक आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी हावी है हमारे दुनिया में, ठीक है, और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तकनीकी संसाधन से आशय विभिन्न ऐसी तकनीक से है जिसका प्रयोग आज के वातावरण में संस्था को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ बातें फीडबैक में आप बता सकते हैं, ठीक है। यह तकनीक उत्पादन की प्रक्रिया, सूचना, संचार, मशीन का परिचालन इत्यादि से संबंधित हो सकते हैं। फिर से सुनिए, यह तकनीक उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन जो तकनीक से आप करते हैं वो आपका तकनीक है, जिन मशीनों से आप करते हैं वो मशीन तकनीक है, सूचना, संचार, जिस तरीके से आप देते हो वो आपका टेक्निक है, आप हाथ से लिख कर दो, आप मैसेज करो, आप फैक्स करो, ये सब टेक्निक है जो आपके संस्था को आसान बनाने के लिए अपनाए चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्लियर हो गया होगा हमारा ख्याल है, आप अगर क्लियर नहीं
नहीं हुआ तो एक बार और उसको देखिए और एक बार और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय संसाधन जुटाते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? चलिए, पैसे जुटाने हैं भाई, पैसा जुटाने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे ये बड़ा मसला है। सबसे पहली बात तो ये कि आदमी अपना जेब, अपना जमा पूंजी देखता है, किसी भी काम को करने के लिए अपनी जमा पूंजी सबसे पहले देखता है। अगर उसके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो कर्ज लेता है, बैंक से, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेता है, जमानत दे कर लेता है, बिना जमानत के भी लेता है। ये सब बता दो ना यार, पैसे की ज़रूरत अगर तुम्हारे पास हो, वित्तीय संसाधन जुटाना हो, पैसे की ज़रूरत हो, पैसा जुटाना हो, तो कहाँ से लाओगे पैसे? सर, उद्यमी अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति पूंजी स्वयं अपने को से भी कर सकता है, बाहरी कर्ज से भी पूरा कर सकता है। कर्ज व्यापारिक, गैर व्यापारिक बहुत सारी संस्थाएं हैं आज के ज़माने में, तो कर्ज देने वाली संस्थाओं की कमी नहीं है, ठीक है। अन्य वित्तीय संस्थाओं से भी जमानत के आधार पर या बिना जमानत के भी लिया जा सकता है, यदि उपक्रम का प्रारूप कंपनी के रूप में हो। अगर आप बिजनेस ऐसा कर रहे हो जिसमें आप कंपनी के रूप में काम कर रहे हो, तो आपको शेयर से पैसे आप उठा सकते हो, ऋण पत्र से पैसे उठा सकते हो, वित्तीय संस्था वित्तीय प्रबंध किया जा सकता है, ठीक है। कंपनी के मतलब कंपनी के पास दो तरह से पैसे आ जाते हैं, आप शेयर बेच दो कंपनी के, ठीक है, आप ऋण पत्र जिसको हम लोग डिबेंचर कहते हैं वो इशू कर लो, आ जाएगा पैसा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। उपक्रम के लिए संसाधन क्यों आवश्यकता है? ये वही बात हो गया कि एक विद्यार्थी के लिए कॉपी कलम क्यों ज़रूरी है, ठीक है, बात समझिए, है ना। एक सिंगर के लिए साजो सामान क्यों ज़रूरी है? अब अगर किसी को, मान लो कि सोनू निगम है, ठीक है, आजकल अरिजीत सिंह का क्रेज चल रहा है, उन्हीं को कहो कि वैसे ही गाओ, ठीक है, बिल्कुल साजो सामान, तबले, मैक, एक जितने भी लगते हैं उसमें वो ना हो, ठीक है, और उनको कहो कि भाई गाना गाओ, ठीक है, आपको पता चलेगा कि वो भी वैसे ही गा रहे हैं जैसे मैं गा रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है छोटे बच्चों कि काम को बेहतर करने के लिए हमें संसाधन चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास साधन नहीं होगा तो हमारा काम डिले हो जाएगा या होगा ही नहीं। तो संसाधन का आशय उस माध्यम से होता है जो व्यक्ति के कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अभाव में किसी भी उपक्रम की स्थापना मात्र कल्पना बनकर रह जाएगी। ये संसाधन हर जगह किसी न किसी रूप में होते हैं, ठीक है। हर काम में साधन लगते हैं, हर काम में, आने जाने में साधन लगता है, सामान बनाने में साधन लगता है, सामान को लाने में साधन लगता है, सामान को ले जाने में साधन लगता है, सामान को बेचने में साधन लगता है, सामान को खरीदने में साधन लगता है, सब कुछ में साधन लगता है। बिना किसी संसाधन के आप कोई काम प्यारे बच्चों नहीं कर सकते। ये सारे क्वेश्चन मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये लिख लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ फॉलो करना है मुझे, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर ये सीरीज में आपने कर लिया, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ऐसा यूट्यूब पे चैनल है जहाँ हमें EPS BST अकाउंट के सारे सब्जेक्टिव मटेरियल मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है इसे। चलिए, अस्थाई पूंजी क्या है, इसकी दो विशेषता बताइए। अस्थाई पूंजी का मतलब क्या होता है? आपके अपने मकान को देखा, भवन को देखा, मशीन देखा, मोटर कार देखा, ये सारी की सारी अस्थाई संपत्ति है प्यारे बच्चों। अस्थाई का मतलब स्थिर, ठीक है, ऐसी संपत्तियां जो सदियों तक स्थिर रहती है, उसमें ज़्यादातर बदलाव नहीं होते, ठीक है, ठीक है। और उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं वो आमतौर पर ऐसे पैसे लगाए जाते हैं जिनको तुरंत ना लौटाना पड़े। फिर से सुन लो, अस्थायी संपत्तियों के क्रय में ऐसे पैसे लगाना है जिनको तुरंत लौटाने की नौबत तुमको न हो। तो अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से है, ठीक है, जिसका प्रयोग अस्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, जैसे भूमि, भवन, मशीन इत्यादि। बहुत ईजी और क्वेश्चन पूछेगा ये, हद है। इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी अवधि दीर्घकालीन होती है, क्या कहना, बिल्डिंग के बारे में कुछ लिख दो। इसकी अवधि दीर्घकालीन होते हैं, अस्थायी पूंजी में अत्यधिक जोखिम होता है। हाँ, ये बात तो है भाई। अगर मान लो कि आपके कार्यशील पूंजी में आप सपोज कर लो कि आपने मटेरियल लगाया, मटेरियल कितना लोग लगाता है, कुछ खराब हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपका भवन गिर जाए, बिल्डिंग गिर जाए, ठीक है, उसमें आग लग जाए, वो टूट फूट हो जाए, है ना, पूरा छत गिर जाए, फिर तो कुछ नहीं बचेगा, ना वो बिल्डिंग, ना बिल्डिंग के नीचे रहने वाली चीज़ें, सब कुछ खत्म। तो अस्थाई पूंजी में अत्यधिक जोखिम लगता है, जहाँ पैसे ज़्यादा लगे हैं उसमें कुछ रिस्क हो गया,
तो वो तो उसमें ज़्यादा ही नुकसान है, छिपा सी बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी के चक्रण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपके पास कैश है, कार्यशील पूंजी का पार्ट है, आप मशीन कुछ मटेरियल खरीद लाओ, मटेरियल से एक नया वस्तु बनाओ, फिर बेचो, फिर कैश में आ गया। मतलब एक चक्र की तरह वो घूम रहा है, कैश है मटेरियल, मटेरियल से कैश। कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए किया जाता है, और यह एक रूप से दूसरे रूप में चक्र की तरह घूमते रहते हैं, इसे ही कार्यशील पूंजी का चक्रण कहा जाता है। सकल कार्यशील पूंजी क्या क्वेश्चन है? सकल कार्यशील पूंजी और शुद्ध कार्यशील पूंजी के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी का मतलब यह है कि जितना कैश आपने मार्केट से इकट्ठा किया है वो सब आपका सकल कार्यशील पूंजी, आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मार्केट का जो कर्ज आपके ऊपर है करंट में, उसको माइनस कर लोगे ना, तो आपके पास परफेक्ट पैसा है जिसको यूज कर सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास जितने भी नगद हैं, ठीक है, जितने भी चालू संपत्तियां हैं, एकत्रित वैल्यू जो है वो तो सकल हो गया, उसे आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उसमें से कार्यशील जो वर्तमान कर्ज हैं, जो चालू दायित्व हैं, ठीक है, कार्यशील पूंजी अस्थायी संपत्ति को रिलेट नहीं करता है, ये याद रखना। हम बात करेंगे अस्थायी कर्जों की, अस्थायी सॉरी चालू संपत्ति की, चालू दायित्व की। ठीक है, कार्यशील पूंजी का मतलब यही होता है। तो जो अधिक आएगा, जितना आपके पास बचेगा, उसको हम लोग शुद्ध कार्यशील पूंजी कहेंगे। मतलब ये है कि मान लो कि आपका CA टोटल है 50,000 रुपया, ठीक है, राइट ना, तो ये 50,000 रुपया आपका सकल कार्यशील पूंजी, CL आपका 20,000 है, और ये CL घटा दीजिएगा तो जो 30,000 आपके पास बचेगा वही आपका शुद्ध कार्यशील पूंजी बचेगा। ये क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बचेंगे, है ना। अर्थात शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्यशील पूंजी के स्रोत को लिखें, कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए क्या करेंगे? तो बहुत ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है असल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्ज की ज़रूरत असल में ये नहीं है। ठीक है, कार्यशील पूंजी अल्पकालीन होते हैं, इसे अल्पकालीन स्रोतों से जुटाया जाता है। अब बैंक से लोन ले लो, सार्वजनिक जमा से लोन ले लो, वहाँ से मार्केट से पैसा उठाओ, व्यापार साख पर, व्यापार साख का मतलब ये है कि आप जो है व्यापार साख का मतलब ये है कि व्यापारियों से जो आप कर्ज ले लेते हो, अब किसी से पैसा लेकर उधार सामान लोगे, इससे अच्छा है कि उधार ही सामान ही ले आओ। ठीक है, तो ये भी एक तरह का कर्ज का रूप है, फैक्टरिंग है इत्यादि। ये पूंजी, इस पूंजी की अवधि, यहाँ पूंजी होगा है ना, मिस प्रिंट है, ये पूंजी की अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती है, ये बात आप समझ गए। तो कार्यशील पूंजी की का जो जुटान है, इसको जो जुटाने की प्रक्रिया है, इसके जो स्रोत हैं प्यारे बच्चों, ये है आप जुटाएंगे बैंक से, सार्वजनिक जमा से, व्यापारिक से इत्यादि। फैक्टरिंग क्या है प्यारे बच्चों? फैक्टरिंग का मतलब समझेंगे, फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत कंपनी के पुस्तकीय ऋणों एवं प्राप्तियों को अधिक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। कंपनी के पुस्तकीय ऋण प्राप्तियों को किसी बैंक से सुपुर्द कर दिया जाता है, उसको टेंडर दिया जाता है, और बैंक तथा बैंक से इसके एवज में अग्रिम राशि आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बैंक इस सेवा के लिए कुछ कमीशन लेगा, आपके पैसे हैं, ठीक है, जो मार्केट में फंसे हैं, आप उसके एवज में बैंक से पैसे ले रहे हो, ये फैक्टरिंग है। ठीक है, और जब कोई एवज में पैसे आपको देता है, ठीक है, तो कुछ तो खाएगा, वो कमीशन खाएगा। ठीक है, हो गया। रोकी गई आय क्या है? क्या क्वेश्चन है? पिछले साल पूछा गया है ये क्वेश्चन, पिछले वर्ष से आपके एग्जाम में पूछा गया है, रोकी गई आय क्या, और इस शब्द में ही, इस रोकी गई आय में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, कितनी आसान है ये बातें आपको समझना कि आय का वह भाग जो अंशधारियों में नहीं बांटा गया, मतलब आपने कमाया लेकिन आपकी जो उस कंपनी के ऑनर सब हैं, अंशधारी हैं, उसमें आपने इसको नहीं बांटा, व्यवसाय में अवितरित लाभ के रूप में रखा, और आपने कहा कि इसको नहीं बांटिए, अभी इसको रखिए, उसे रोकी गई आय कहते हैं। इस राशि पर पूंजी की लागत शून्य होती है, चूंकि आपकी इनकम है, शुद्ध इनकम है। आप अगर इस पैसे को अपने पूंजी के तौर पर यूज करते हैं तो आपको किसी को ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तो पूंजी की लागत शून्य हो जाती है, इससे किसी दायित्व का सृजन नहीं होता है। और जानते हो, आप अपने इनकम से जो काम करते हो वही असल बेहतर काम है। ठीक है, कर्ज लेके फिर कर्ज सधाना, ये बहुत बड़ी काबिलियत की बात नहीं है। ठीक है, आप कमा कर जब कोई काम करोगे तो ये बड़ी बात है। ठीक है, 42 हो गया, हाँ
देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन किधर रह गया। हाँ रुकी गई आई होगी। कोष प्रवाह विवरण क्या है, इसके उद्देश्य को लिखिए। कोष का मतलब फंड है, फंड का मतलब रोकर है, प्रवाह का मतलब आना और जाना है। ठीक है, मतलब यह है कि कोष कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसको जिस विवरण में हम दिखाते हैं उसे हम कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल का जवाब है। एक ऐसा विवरण जो कोषों के स्रोतों, स्रोत का मतलब इनफ्लो, रिसोर्सेज जो आपके स्रोत हैं उनको, और इसके प्रयोगों को दिखाते हैं, उसको कोष प्रवाह विवरण कहलाते हैं। इसके बनाने से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पता लग जाता है, पैसे कितने आए और कितने गए। इसका मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला, अभी तुरंत आपने पढ़ा कि इसके द्वारा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का पता चलता है। ठीक, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, सारा आंसर लिखो। यह व्यवसाय के संचालन से कोष का पता लगाता है, भाई संचालन से कहाँ कितना कोष आया। ठीक है, मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हैं उससे कितना कोष आया, ये बात ये यहाँ से पता चलता है इसको। ठीक है, इसका उद्देश्य कोषों के उन स्रोतों का पता लगाना है जहाँ से कोष आ रहे हैं, और कोष कहाँ प्रयोग हो रहे हैं ये भी पता। कुछ याद ना रहे, कम से कम एक टॉपिक में ये लिख दीजिए कि कोष कहाँ से आ रहा है ये पता करते हैं, कोष कहाँ जा रहा है ये पता करते हैं। हालांकि कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण की सीमाएं भी हैं, कुछ परेशानियां आपको झेलने पड़ेंगे जब आप कोष प्रवाह विवरण मेंटेन करेंगे। ये सीमाएं निम्नलिखित है, देखोगे। अगला क्वेश्चन है 44, कोष प्रवाह विश्लेषण की सीमाएं, इसको भी वीवीआई मार्क करो। एक एक क्वेश्चन वीवीआई है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। कोष प्रवाह विश्लेषण की सीमाएं, यह आधारभूत सूचना देने में असफल है। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो आप अगर चाहते हो तो वो आपको कोष प्रवाह विवरण से नहीं मिलेंगे। यह भूतकालीन आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, वर्तमान में कुछ और चल रहा होता है, और ये पुराने सेशन को ही, पुराने वैल्यू को ही अटेंड करता रहता है। या गैर कोषीय मदों को ध्यान ही नहीं देता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ, इसका भी संबंध हमारे बिजनेस से है, लेकिन ये क्या करता है कि उसको ध्यान नहीं देता है। और बिजनेस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन बिजनेस की गैर कोषीय मदों को हम ध्यान नहीं दे रहे, ये मुश्किल है। यह कई बार भ्रामक परिणाम को दिखाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, जिससे गलत सूचनाएँ आपको मिलती है। ठीक है, तो ये सारी सीमाएँ हैं। कार्यशील पूंजी की गणना कैसे करेंगे, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और आज इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। 45 तक कर दिया मैंने, 6 वीडियो है, ठीक, 5th वीडियो है। ठीक है, और अब बच गए हैं 97 का, ये सीरीज है 97 में ऐसे मैंने 45 करवा दिया है। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यशील पूंजी से आशय चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक, जितना चालू संपत्ति आपका चालू दायित्व से अधिक होगा उतना को हम कार्यशील पूंजी कहेंगे। ठीक है, फिर से पढ़िए। कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसका प्रयोग दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यशील पूंजी से आशय चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिक से है, इसको चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व को घटाकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है जी, है ना। अर्थात आगे पढ़ेंगे, अर्थात कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, चालू संपत्ति में से चालू दायित्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन के साथ, ये रहा अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि बहुत बेहतर है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए। ईपीएस की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जो ऑब्जेक्टिव है वो देखें, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो देखें। मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा अगर आपने इस सीरीज़ को कम्प्लीट किया तो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ईपीएस में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सीरीज देख जाइए। जो ऑब्जेक्टिव सेशन मैंने अटेंड करवाया है वो देख जाइए, काफ़ी है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।